कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में पैर पसारता जा रहा है। भारत में शनिवार को ओमिक्रॉन के दो केस सामने आए और एक और गुजरात में एक 72 साल का बुजुर्ग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। बुजुर्ग जिम्बाब्वे से लौटा था तो वहीं महाराष्ट्र से भी नए वेरिएंट के से एक शख्स के संक्रमित होने का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे कल्याण इलाके में 33 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। 24 नवंबर को यह शख्स दक्षिण अफ्रीका की कैपटाउन से दुबई होते हुए दिल्ली आया था, दिल्ली से फिर मुंबई पहुंचा और इससे पहले कर्नाटक में दो लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इन दोनों की उम्र 66 साल और 46 साल थी। तो कोरोना का नया वेरिएंट भारत में भी पैर पसारता जा रहा है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब भारत में 4 ऐसे मरीज पाए गए हैं जो कि नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। हालांकि उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में ये आए थे, और साथ ही इन्हें आइसोलेटेड भी किया गया है और साथ ही बेहतर उपचार भी दिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार द्वारा तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं एयरपोर्ट पर, और सभी आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.